अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप काबिल बने अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिल जाए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, उर्दू ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान से ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। दोस्तों, आप चाइना की मिसाल ले लें, मोज़े तंग की। जहालत का ये आलम था कि इन्हें सारी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आई। जब कभी कोई लतीफ़ा इनको अंग्रेज़ी ज़ुबान में सुनाया जाता तो इनके चेहरे पर कोई भी तासुरात नुमाया नहीं होते थे, बल्कि इनको कुछ समझ ही नहीं आती थी। और जब कोई वही लतीफ़ा इनको चाइनीज़ ज़ुबान में सुनाया जाता तो ये कह के लगा लगा कर हंसते थे। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी को ले लें। इनकी माँ ने सारी ज़िंदगी घरों में काम किया और बाप ने स्टेशन पर चाय बेची। हालात की वजह से घर से भागे, दिन रात मेहनत के बाद गुजरात के वज़ीरे आला बन गए और बाद में हिंदुस्तान के वज़ीरे आज़म भी बन गए। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा कर देख लें, वो अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर, वो हिंदी में ही बात करते हैं जो उनकी कौमी ज़ुबान है। दोस्तों, सदर तैयब उर्दगान पाकिस्तान आए, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से तुर्की ज़ुबान में ख़िताब किया। पाकिस्तानी कौम और वज़ीरे आज़म और साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी ये बता गए कि किसी कौम की तरक्की की अलामत इसकी गैरत होती है, अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हम मरुबियत के इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि अगर हमारा कोई क्रिकेटर पाकिस्तान से बाहर उर्दू में बात कर ले तो हम मुंह छुपा छुपा कर हंसना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हम इसकी कारकर्दगी को क्रिकेट से नापने के बजाय अंग्रेज़ी से नापते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास खूबसूरती का मेयार, गोरा रंग और काबिलियत का मेयार अंग्रेज़ी है। दोस्तों, हमारे मुल्क में बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का वाहिद मकसद अंग्रेज़ी होता है। दोस्तों, दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलता कि किसी कौम ने किसी गैर की जबान में तरक्की की हो। तख्लीक, तहकीक और जस्तजू का ताल्लुक दोस्तों अंग्रेज़ी के साथ नहीं होता, और अगर आप इन चीज़ों का ताल्लुक भी अंग्रेज़ी से जोड़ेंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। आपको पूरे मुल्क में सवाए दो चार के कोई काबिले जिक्र साइंसदान, कोई तहकीक करने वाला डॉक्टर और कुछ नया ईजाद करने वाला इंजीनियर नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस कौम का नौजवान भला कैसे कुछ सोच सकता है? इसका वाहिद मकसद अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करके आला नौकरी हासिल करना है, वो तो लकीर का फकीर हो चुका है। दोस्तों, अब हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी आती नहीं और उर्दू लगती है मुश्किल। आप किसी भी नौजवान को रास्ते में रोकें और उसको कहें कि अंग्रेज़ी में एक दरख्वास्त लिख दो तो वो आए बाएं शाएं करने लगेगा। दोस्तों, चाइना, जापान, तुर्की, जर्मनी और फ्रांस में से ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने अंग्रेज़ी की वजह से कामयाबी हासिल की या फिर तरक्की की मनाजिल तय की हैं? दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह और कामयाब बिजनेसमैन मलक रियाज और लिखारी जावेद चौधरी, इनमें से किसने अंग्रेज़ी की वजह से तरक्की की है? या फिर दोस्तों, इनमें से किसी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलते या तकरीर करते हुए देखा हो? दोस्तों, हमें चाहिए कि कौम के काबिल बच्चों को महज अंग्रेज़ी की वजह से इनके एतमाद को कमज़ोर ना किया जाए।
दोस्तों, ज़ुबान की ग़ुलामी तख्लीकी कुव्वत को भी तबाह कर रही है। दोस्तों, इसलिए आप ख़ुद भी काबिल बने और अपने बच्चों को भी काबिल बनाएं। अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए।